अगर एक बार के लिए तेरी बात मान ली जाए तो हमें जल्द से जल्द बिल्ला का फोन ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें डेफिनेटली उस कातिल का नाम और उसका नंबर पता लग जाएगा। बेबी तुम फंसते जा रहे हो, ये लोग बिल्ला के फोन तक पहुंच गए, उसमें तुम्हारा नाम और नंबर दोनों है। तो इसका मतलब हमें उस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाना होगा, क्योंकि वहीं पर उसका फोन मिलेगा। आई एम डैम श्योर वहीं पे मिलेगा। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से बेबी को बताना होगा। इश्ती, मुझे तो लगता था तुम बिल्कुल उल्टी खोपड़ी हो, ये तुम्हारा माइंड तो माइंड ब्लोइंग है यार। माय माइंड इज ऑलवेज ब्लोइंग, बस मेरी दी मेरी सारी गलतियों पर पर्दा डाल के जाए, फिर देखना मैं क्या से क्या करके कहां से कहां निकल जाऊंगी। देखना कहां से कहां निकल गई। समझ में आ रहा है, करण सर और दी के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो, दो क्या एक लगा के देखा। सृष्टि हाँ इधर आ, मारना नहीं मुझे, पहले बता रही हूँ। गुड जॉब। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो हमारे चेहरे को? हमें दो मिनट पहले ऐसा लग रहा था इसका गला दबा के से मार डालोगी, पर अब देखो कितना प्यार उमड़ रहा। पागल लग रहा है? तो मैं गुस्से में काफी कुछ बोल जाती हूँ, लेकिन ऐसा करती थोड़ी, उसे पता है इसमें तो मेरी जान बसी हुई। पता कितनी भी बड़ी गलती कर दे लेकिन उस पे पर्दा मैं डाल ही देती हूँ। जान है ना। अरे पिता ये कुछ नहीं जानती है। चुप कर शॉर्टी। अरे मैं क्यों चुप करूँ, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। से पर्दा हटाना मेरा भी काम है और मैं हटा के रहूंगा। गीता आपको पता है आपके आने से पहले ना बहुत ही बौखलाई हुई थी, बहुत ही मेस्ड अप थी, कहती थी मेरी पिता दीदी आएंगी मुझे मार डालेंगी, पता नहीं क्या क्या करेंगी, बहुत टेंशन में थी। ऐसा तो कुछ नहीं है दी, वो तो मैं बस आपको पता ना मैं बोलने के लिए बोल देती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती, किसी दिन सच में हाथ उठ भी सकता है। सृष्टि अगर आइंदा तुमने इतना खतरनाक काम कभी किया ना तो सच में मार पीटे, मतलब बिल्ला कुछ भी हो सकता था ना सृष्टि, अगर वो तेरे साथ कुछ गलत करते। अरे कुछ नहीं कर सकता था वो यार, मतलब हमारा सैमी इसके साथ था और सैमी की सृष्टि को सैमी के सामने हमारी सृष्टि को कोई कुछ करके दिखाया, हम थोड़ी ना सैमी। अरे चलो हम चलते हैं फटाफट, वो बिल्ला का फोन ढूंढते हैं, पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं, वहां नहीं मिला तो आसपास जहां भी जो भी जगह हमें लगता है कि उसका फोन हो सकता है वहां देखते हैं। कार्टून देख रहे हो? तुम भी देखो, सो फनी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, जब भी आती हो ऐसे ज्वालामुखी की तरह फटती हुई आती हो। कितनी उम्र है? तुमने चश्मे की दुकान कब से खोल दी? अरे मुझे दिख रहा है, तुम भी दिख रही हो, टॉप टू बॉटम एकदम हॉट। शट अप, मुझे बताओ कितनी उंगलियां हैं? यू स्टार्ट अप यार, दिमाग मत खराब करो मेरा, रिमोट दो, मुझे कार्टून देखना है, कार्टून देखने दो मुझे। अरे बहुत ही जल्द तुम कार्टून बन जाओगे, फिर खुद को आईने में देख के हंसते रहना। एक्चुअली तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं, दुनिया देख कर तुम्हें हंसेगी। मैंने क्या पूछा कितनी उंगलियां हैं? देखो मैं होश में हूँ, मैंने पी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चढ़ गई है, मैं नशे पे चढ़ता हूँ। देखो मुझे तुम रिमोट दो, मुझे कार्टून देखना है। छोड़ो मैं सब समझ में आ जाएगा, सीधे सीधे बताओ कितनी उंगलियां हैं ये? अभी तो पांच दिख रही है, लेकिन ज्यादा दिखाएंगे तो चार भी दिख सकती है। वेरी गुड, इसका मतलब है तुम होश में आ गए हो, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर आ गया है। देखो जल्दी बोलो क्या बोलना चाहती हो, उसके बाद मुझे कार्टून देखना है। मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है पुलिस स्टेशन में मैंने क्या सुना? अरे मैंने वहां पे करण प्रीता सृष्टि समीर को बात करते हुए सुना। अच्छा तुम सुनोगे ना तो तुम्हारी जो कार्टून देखने का भूत है ना वो भी उतर जाएगा। अरे ओ जाने वाले सुनो, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो ना साथ में, मुझे भी आना है। एक काम करते हैं, कल सुबह मेरी रिहाई होगी ना, कल सुबह जाते हैं सब लोग मिलके, तो मैं ये सब मिलके आराम से कल सुबह जाएंगे, ठीक है? अच्छा वेकेशन पे जा रहे हैं? अरे इतना इम्पोर्टेंट काम है, एक एक मिनट कीमती है, चलो अभी चलेंगे। ठीक है आप लोग जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना अगर आप लोग मुझे नहीं लेके गए ना
तो आप लोगों को वो फोन भी नहीं मिलेगा। What? अच्छा मिल जाएगा। This is not fair, दी। मतलब ये मेरा प्लान है यार। मैं इतनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आई, इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया ताकि उस बिल्ला के मुंह से सच उगलवाऊं, और आप मुझे ही नहीं लेके जा रहे हो। मैं बता रही हूँ मुझे प्लीज लेकर चलो, प्लीज मेरे को भी आना है साथ में। अरे नहीं नहीं सृष्टि यार, कल तक तो बहुत लेट हो जाएगा। जिस तरह हमें उस फोन के बारे में पता चला, हो सकता है उस किलर को या किसी इंसान को वो आइडिया क्लिक कर जाए, हमसे पहले वो फोन लेके वहां से चले जाए, और हमारे हाथ में जो सबूत लग सकता था वो हमारे हाथ से चले जाए। नहीं कल बहुत लेट हो जाएगा, हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, वो फोन किसी और के हाथ लगे, इससे पहले हम आप पहुंच जाते हैं, वो फोन ढूंढते हैं। अभी जाएंगे, अभी के अभी। ओके ख्याल रखियो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। व्हाट, वाओ, फैंटास्टिक बेबी। इतनी बड़ी आकाशवाणी सुनाने के लिए तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ तुमने टाइम वेस्ट किया। इतनी बड़ी न्यूज देने के लिए तुम मुझे फोन भी कर सकती थी ना। यहाँ आ गई घर मेरे, मुझे ये सब बताने के लिए। अरे टाइम सेव करके तुम, तुम्हें पता है ना वो लोग किस किस्म के जासूस, 2400 घंटे जासूसी करते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि पहुंच गए मोर्चा निकाल कर। क्या पता ये भी हो सकता है कि वो लोग ऑलरेडी निकल गए हो फोन ढूंढने के लिए। क्या पता ये भी हो सकता है कि वो फोन ऑलरेडी मिल गया। अगर ऐसा हुआ ना तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं हर बार तुम्हें फोन ही करती हूँ, कॉल लगाती हूँ तुम्हें। जब ऋत्विक लूथरा से मिलने गया था तभी मैं तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने क्या किया, मेरा कॉल नहीं उठाया, और उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। और आज मैंने तुम्हें कॉल किया था जब सृष्टि को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ये बताने के लिए कि वो बिल्ला से मिलने गई है मास्टरमाइंड का नाम जानने के लिए, यानी कि तुम। लेकिन तुमने क्या किया, अरे बेबी आई एम इन अ सेलिब्रेशन मूड, और फोन काट दिया। अरे कभी तो मुझे सीरियसली लिया करो। अगर सीरियसली लेते ना तो तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाते और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होती। लेकिन नहीं, तुम क्या करते हो, मेरा फोन काटते रहते हो। अगर ज्यादा ब्लेम किया ना तो मैं तुम्हें भी काट दूंगा। एनीवेज लीव इट, जब भी मैं तुम्हें सीरियसली लेता हूँ ना तुम नॉनसेंसिकल बातें करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। अगर ये इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें अभी अभी दी ना वो अगर तुम मुझे फोन पे देती ना, टाइम सेव करती, तो मैं चीटी को भी हाथी समझता। पर नहीं, तुम्हें तो टाइम वेस्ट करके यहाँ आना था, फोन नहीं करना था। जो नॉनसेंस वाली बात बोली ना वो तुम्हारे पे लागू होती है, क्योंकि हर वक्त मैं तुम्हें कॉल करके सेंस वाली बात ही करती हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा पता नहीं कौन से जोन में रहते हो। विद लेक्चर मत दो, चलो एक्सीडेंट स्पॉट पे चलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग हमसे पहले पहुंच गए उन्हें फोन मिल जाएगा और उसमें तुम्हारा नंबर भी, तो उसके बाद जो तुम्हारे जो क्राइम मास्टर प्लान है ना वो फेल हो जाएगा, हम जेल में सर जाएंगे। बेबी आई लव यू, थैंक यू सो मच। मेरा कितना केयर करती हो, मतलब मेरा दिमाग जब भी काम नहीं करता तुम्हारा दिमाग मेरे लिए ओवरटाइम करता है। आई लव यू। रोमांस बाद में, फोन पहले। अरे वो सबूत डिस्ट्रॉय करना है, नहीं तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगी। लेट्स गो। चले गए मुझे ना छोड़ के चले गए। बताओ किसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। हेलो वो बहन, तुमसे बात कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि मुझे छोड़ के चले गए। देखो कह रहे थे कि सृष्टि तो छोटी है, अकल की मोटी है, मतलब मेरे को इतना गुस्सा हो रहा है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके साथ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैं कह रही हूँ फर्क पड़ेगा उनको, क्योंकि मैं ही एक ऐसी कड़ी थी जिसने फोन के बारे में पता लगाया, जिसने फोन की खोज निकाली, और जिसने फोन की खोज निकाली उसी को छोड़ के चले गए। बताओ। अरे सृष्टि तुम क्यों बुखला रही हो, क्यों पागल हो रही हो, चले गए तो चले गए ना। भाई तो मैं कह रही हूँ चले गए तो चले गए, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ के चले गए ना। तुम्हें तो पता है सामी मेरा कितना दिमाग चलता है इन सब मामलों में यार। तुम्हें मैंने इससे पहले भी बोला था ना कि मैं जासूस बन सकती हूँ, और कोई छोटी मोटी जासूस नहीं, इंडिया की A1 नंबर 1 जासूस बन सकती हूँ। नंबर 1 जासूस को यहाँ छोड़ के चले गए, बताओ कौन करता है यार ऐसे। मुझे पता है तुम्हें जासूसी का बहुत शौक है, लेकिन ये सब बाद में करना। सामी वैसे सोचने वाली बात है कि जो बिल्ला है ना खतरनाक गुंडा है, लोगों को मारने की सुपारी लेता है, मर्डर करता है, पुलिस के 3rd degree टॉर्चर करने के बाद भी पुलिस को उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने जब अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, जब मैंने सीन क्रिएट किया, तो उसने बहुत सारी बातें बता दी, मतलब बातों बातों में उसने सच उगलवा दिया, बातों बातों में उसने फोन के बारे में बता दिया। अनजाने में बता दी थी तुम्हें भड़काने के लिए। ठीक है माना मुझे भड़काने के लिए उसने ये सब कुछ कहा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ। नुकसान बिल्ला का हुआ है, क्योंकि उसने गलती से ये सारी बात हमें बता दी,
और फायदा हमारा क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल गई। माय गॉड सैमी, क्या मैं करण सर और दी को ये बताना ही भूल गई कि वो बिल्ला का फोन उन्हें ट्रक में या एक्सीडेंट स्पॉट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसका फोन ट्रक में या एक्सीडेंट स्पॉट पे रहता तो वो पुलिस को भी मिल जाता। तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ? उस रात एक्सीडेंट स्पॉट से जब बिल्ला ट्रक लेके भागा तो मैंने और बाइकर बॉय ने उसका पीछा किया और आगे जाके चाय की टपरी के पास उसके उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। हम उसे ट्रक से बाहर निकाले, चाय की टपरी के पास लेके गए और तभी तभी उसका फोन रिंग हो रहा था बार बार लगातार, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला ये देखने के लिए कि कौन उसे फोन कर रहा है। उसका फोन उसकी जेब में पड़ा था सैमी, और मैं निकाल नहीं पाई, उसकी जींस इतनी टाइट थी, और जैसे मैं फोन निकालती वो गुंडा होश में आ गया। तो इसका मतलब ये सैमी कि वो फोन ट्रक में नहीं चाय के टपरी के आसपास है। ओह माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिस कैसे कर दी? मैंने करण सर और पिता दी को ये बताया ही नहीं, पर मैं भूल कैसे गई ये इंफॉर्मेशन? वो पुलिस ने मुझे डंडा मारा था इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया? अब ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाए करण सर और दी तक कि वो बिल्ला का फोन ट्रक या एक्सीडेंट स्पॉट में नहीं चाय की टपरी के पास मिलेगा? गॉड यार, तू सो जा बहन, सॉरी। लेकिन हंसने के पीछे कोई वजह तो होनी चाहिए ना। अब तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, मैं यहाँ इतनी नर्वस हूँ, उसका मैं क्या मतलब निकालूं? या तो तुम मुझ पर हंस रहे हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम मेरे कहने का मतलब है तुम मेरे बाजू में बैठी हो तो तुम्हें देख के हंसूंगा ना, स्टीयरिंग को या सीट बेल्ट या सीट को देख के थोड़ी ना तुम्हारा। एंड ऑब्वियसली मतलब मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सेल्फोन, उस बिल्ले का मोबाइल। ओ, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये जो साइड स्माइल देखकर तुम हंस रहे थे, तुम्हारे दिमाग में सेलफोन चल रहा था? नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। क्या तुम मेरे मतलब मेरे दिमाग में तुम चल रही और तुम्हारी वो पुरानी यादें चल रही। तुम्हें याद है जब तुम मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तुम मेरे से मिलने के लिए कितनी डेस्परेट? माय गॉड, आई मस्ट से इट वाज सच अ डेस्परेट अटेम्प्ट। तुम मिलने के लिए पागल हो रही थी मुझसे। व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं? मुझे पता है तुमको सब कुछ याद है, वो लड़की हो ना, ऐसे डैशिंग लड़कों के साथ मुलाकातें हमेशा याद रह जाती हैं। ओके, कैसे मुझसे मिलने के लिए डेस्परेट थी तुम? वाओ, एक वो दिन था और एक आज का दिन, पहले पीछे वाली सीट पे और आज आगे वाली सीट पे मेरी बगल में बैठी थी। आई मस्ट से बहुत लकी हो तुम। स्टॉप, क्या है, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? तो कहा स्टॉप। गाड़ी रोकने के लिए स्टॉप नहीं बोला, जल्दी चलो हमें देर हो रही है। लेकिन तुमने तो कहा। अरे मैंने तुम्हारी कहा, मैं मेरा मतलब मैंने, तुम जो इतनी सेंसलेस बातें कर रहे हो ना जिनकी कोई तुकी नहीं निकल रही, उसे बंद करने के लिए मैंने बोला स्टॉप। इतनी देर से बोलती जा रहे हो, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ। पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मतलब जिससे बोल रहे हो, इतनी बातें बोल रहे हो, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो तुम बोल ही क्यों रहे हो? और अभी तुम गाड़ी चलाओ, देर हो रही। तुम भूल गई कैसे तुम मुझसे मिलने के लिए डेस्परेट थी, मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे आके छुप गई थी, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं आगे वाली सीट पे था और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी और यू वर जेलस। आई अंडरस्टैंड गर्ल्स जेलसी, और तुम फिर भूल ही गई उस जेलसी के चक्कर में कि तुम छुपी हो, और तुम उस जेलसी के चक्कर में हमारे सामने आ गई और मैंने तुम्हें देख लिया। यू रिमेम्बर, याद है तुम्हें कुछ?
तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन मैंने तुम्हें सरप्राइज दे दिया। यू रिमेम्बर बेबी डॉल? मुझे तो यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई। ओ यार रियली यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम मुझ जैसे की दोस्त हो यार। क्या किस्मत भाई, आई मस्ट वेरी स्मार्ट गर्ल। वो मेरी गर्लफ्रेंड का पत्ता काट के आज तुम बैठे मेरी बगल में मेरी गाड़ी के सीट पे। वाह, ओ तो तुम्हें तुम्हारी सोफिया मलिश्का वापस चाहिए क्या? अरे इतना मिस कर रहे हो उन्हें, तो जा बात कर लो ना। सच कहूं कभी कभी मिस करता हूं उनको यार। एक्चुअली क्या ना, लेकिन जब से तुम लाइफ में आई हो ना तब से ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनने देती हो ना किसी लड़की को मेरे पास आने देती हो। ओ प्लीज स्टॉप इट, इतने झूठे झूठे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। एक्सक्यूज मी, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। That's a pair. What? मैंने कब तुम्हें रोका है? अगर तुम्हें तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स की इतनी याद आ रही है तो जा बनाओ ना अपनी गर्लफ्रेंड्स। मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अरे तुम्हें क्यों फर्क पड़े? तुम्हें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए मुझे किसी और के साथ देख के। तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना। वैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये बात तो मेरी गर्लफ्रेंड टाइप की नहीं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड टाइप की क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कौन चाहेगा कि तुम उसकी जिंदगी में एक दिन या कुछ टाइम के लिए आओ। You're different, you're special. जो भी तुम्हें चाहेगा वो ये चाहेगा कि तुम उसकी लाइफ में जिंदगी भर रहो, उसके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करो। इसलिए तुम गर्लफ्रेंड टाइप्स नहीं, तुम वाइफ टाइप्स हो, वाइफ मटीरियल। सच बोल रहा हूँ? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे किस टाइप के लड़के से शादी करनी चाहिए? कोई ऐसा शादी के नाम से ही दूर भाग जाता, कभी शादी करना ही ना चाहता, शादी के नाम से घबराता, लेकिन तुम्हें देख के उसे शादी से प्यार हो जाए, कोई ऐसा लगता? और तुम भी एक ऐसे लड़के को जानती हो? और वो लड़का मेरा थोड़ा स्लो चलाओ, वो जो टर्न हमें लेना बस आए क्या, मिस हो जाता। सॉरी, वो रास्ता ही निकल गया। जो टर्न लेना था वही छूट गया, जो कहना था कई बात माइंड से स्किप हो गई। कोई बात नहीं, मुझे याद है। बेबी जरा चेक करो ना, हम सही रास्ते पर तो है कि नहीं। हाँ जीपीएस तो यही रास्ता दिखा रहा है। यहाँ से हाँ याद आया, ये वाला राइट है। हाँ। और फिर इसके आगे और एक राइट आएगा, वो लेना है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम करण को कॉल करो ना। करण को कॉल क्यों? उसे कॉल करके ये कहो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो क्या ना, तुम्हारा बड़ा भाई जेल में चला गया, अब तो वो किसी काम का है नहीं, और मुझे तो सिर्फ किसी लूथरा से प्यार करने में मतलब है ना। तो ठीक है, वो तो अंदर है पर तुम तो बाहर हो ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू करण बेबी। दिमाग खराब हो गया क्या? अरे सोच समझ के बोला कर। अरे सोच समझ के तुम सवाल पूछो ना मुझे। ऑब्वियसली यार, मैं तुम्हें करण को कॉल करने के लिए क्यों कहूंगा? बिकॉज वी नीड टू नो कि वो कहां पहुंचा है। अरे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, जैसे हम लोगों को अपनी बॉटल में उतारते हैं, किसी तरह जानो उससे कि वो कहां पहुंचा है। कोई ट्रिक अपना के, कोई हो सकता है कोई हिंट मिल जाए हमें, कोई आवाज सुन के या
कुछ कुछ तो पता चल जाएगा कि वो कहां पहुंचा। अब ऐसे घूर के देख रहे हो तुम, बीपी समझने की कोशिश करो। वो लोग दिमाग से पैदल नहीं है कि पैदल चलने वाली स्पीड पर वहां पहुंचेंगे। जासूस है जासूस, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा वाली स्पीड पर भाग भाग कर अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वहां पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उस स्पॉट पर प्रूफ है, ये इंफॉर्मेशन उन्हें मिल चुकी है। और जैसे वो वहां पहुंचेंगे, उस प्रूफ को उठाएंगे, मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि उस प्रूफ से उन्हें पता चल जाएगा कि मास्टरमाइंड कौन है। वो मास्टरमाइंड जिसने लूथराज को बर्बाद किया है, वो मास्टरमाइंड जिसने सारा ड्रामा क्रिएट किया है। समझने की कोशिश करो, मेरा पास सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ ना, मेरे साथ साथ तुम भी फंस जाओगी, हमारा भी एंड हो जाएगा। सो प्लीज तुम सारा सवाल मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, करण को कॉल करो। तुम्हें क्या लगता है मैं करण को कॉल करूंगी और उससे पूछूंगी करण तुम कहाँ हो और वो मुझे बता देगा? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने आज तक करण से कभी बात नहीं की, उससे हाय हेलो नहीं किया। मैं जब भी घर भी गई ना, उसको देख के मैंने इग्नोर कर दिया। अगर मैं उसे इस वक्त फोन करूंगी ना, उसे अगर मुझ पर शक नहीं होता होगा तो भी हो जाएगा।